कोई डाउट इसमें? ठीक, तो एम्पियर सर्किटल लॉ पूरी तरह क्या होता है? खत्म, तो सारी एप्लीकेशंस खत्म इसके साथ। देखो शीट नंबर 57 जो मैंने लास्ट टाइम दी थी, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 57 का प्रिंट आउट लें। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ सोलेनोइड, ठीक। देखो शीट नहीं है, है। देखो सोलेनोइड हमने ऑलरेडी एक बार किया हुआ है और सोलेनोइड के एक्सिस पे हमने बी निकाला हुआ है। सोलेनोइड के एक्सिस पे बी जो हमने निकाला उसका फॉर्मूला आया था म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर हमने जो सोलेनोइड लिया था वो एक लॉन्ग सोलेनोइड था, इनफाइनाइट लेंथ का मैंने बोला था। लेकिन अगर फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड आता है तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा इसमें डिस्कस होगा। फिर एनसीईआरटी के अंदर एक इनफाइनाइट या लॉन्ग सोलेनोइड को डिफाइन कैसे करते हैं ये भी सुन लो। इन्फिनिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कई किलोमीटर लंबा जितना सोलेनोइड लिया इतना लंबा होता भी नहीं है। वैसे लॉन्ग सोलेनोइड होता है कि अगर सपोज करो आपके पास एक सोलेनोइड है सच दैट उसकी जो लेंथ है मान लो 2 मीटर है और उसका मान लो जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब रेडियस तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन लेंथ बहुत बड़ी है। इसको लॉन्ग सोलेनोइड बोला जाता है कि जब लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इसका रेडियस। इसको लंबा लॉन्ग सोलेनोइड, इसको इनफाइनाइट ही माना जाता है कि रेडियस के मुकाबले लेंथ अगर बहुत बड़ी आ गई चाहे वो 1 या 2 मीटर है तो लॉन्ग सोलेनोइड है। तो इसके एक्सिस पे बी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई ही यूज करना है। और आपके एनसीईआरटी में नॉर्मली ज्यादातर केस में यही फॉर्मूले आते हैं। क्लियर यहां तक? तो अब इस केस में बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद लेकिन अगर फाइनाइट आ जाए, अगर रेडियस भी बड़ा है और लेंथ भी बड़ी है, फिर क्या करना है ये टॉपिक आपको बताएगा। एक सेकेंड देना। देखो तो इसके अंदर मैं बोल रहा था कि एनसीईआरटी के अंदर जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से तो ये एक्सप्रेशन नहीं आया, बट मैंने ये नहीं कहा कि एनसीईआरटी में नहीं है। तो मतलब अगर आ जाए तो मेरा नाम नहीं लगाना, मैं रिकॉर्डिंग की हुई है इसमें, मैंने नहीं कहा ये मत करके जाओ। और मैंने आपको सिर्फ स्टैट्स बताए हैं कि जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मैंने इसको आता देखा नहीं। तो फिर भी देखो करके देख लेते हैं क्या करना है इसका। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी कम है बट आप एनसीईआरटी की बुक चेक कर लेना, उसमें अगर इस तरीके से एक्सप्लेन है तो कर लेना, मैंने चेक नहीं किया। और वैसे जो
प्रोबेबिलिटी ये है कि इनफाइनाइट सोलेनोइड के ऊपर ही, जो मैंने आज न्यूमेरिकल ढूंढे एनसीईआरटी में से, तो वो भी इनफाइनाइट पे मिले, मुझे फाइनाइट पे कोई न्यूमेरिकल ही नहीं मिला। इसका मतलब एनसीईआरटी की बुक लॉन्ग सोलेनोइड्स के ऊपर ही काम करती है, और वैसे भी एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। बट फिर भी कोई ये ना कहे कि मैंने करवाया नहीं, तो फिर मैं इसको बता भी देता हूँ, और ऑब्जेक्टिव के लिए एक फॉर्मूला भी इसको याद करना है, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी याद करेंगे। देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है, थोड़ी ज्योमेट्री है इसमें क्या करना है, पर इसको प्लीज नोट लिख लेना कि चेक फ्रॉम एनसीईआरटी, अगर ये बुक में है एनसीईआरटी में तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक, तो देखो इसमें सबसे पहले एक सोलेनोइड लिया, कोई कहता है ये कैसा सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड कुछ इस तरीके का सोलेनोइड है कि जो ऊपर के सर्कल्स है ना, ऊपर के सर्कल्स उनमें ना डॉट लगाएं प्लीज, डॉट, और जो नीचे के सर्कल हैं उनमें क्रॉस लगाएं, क्रॉस, मैं लगाना भूल गया, ऊपर के सर्कल में डॉट लगाएं और नीचे के सर्कल में क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है यहां तक, डॉट एंड क्रॉस क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, ये सोलेनोइड कैसे कैसे बना मैं आपको बताता हूं। सोलेनोइड होता कैसे है, सोलेनोइड में वायर्स हैं, अभी इमेजिन करना प्लीज, आगे देखना, इमेजिन करना कि ये सोलेनोइड, देखो सब हवा में बना रहा हूं, मतलब नीचे देखते रहोगे कुछ नहीं नजर आएगा, तो ये सोलेनोइड है, ये इसकी वायर्स है। ठीक, तो ये करंट आ रहा है, यहां से करंट ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से इनसाइड, फिर यहां से बाहर आएगा, फिर इनसाइड, फिर बाहर आएगा, फिर इन, तारों का जाल हटा दो तो यहां पर आपको दिखेगा, ये देखो करंट बाहर आ रहा है, वायर हटा दी, जा रही है वैसे, बस क्योंकि मेरे को बहुत ज्योमेट्री यूज करनी है तो जगह खाली चाहिए, तो करंट बाहर आ रहा है इनसाइड, बाहर आ रहा है इनसाइड, ये सब कनेक्टेड, ये सोलेनोइड है। पॉइंट समझ में आया, ये सोलेनोइड कैसे है, मतलब तारे नहीं दिख रही पर अदरवाइज ये सोलेनोइड है, कोई डाउट इसमें, तो बना लिया आपने, करेक्शन कर ली, इसमें ऊपर में डॉट और नीचे सर्कल में क्रॉस है, करें स्टार्ट। ठीक, तो ये फाइनाइट सोलेनोइड है, तो इसमें मुझे बी इसके एक्सिस पे निकालना है, तभी उसने एक्सियल लाइन बोला, तो एक्सिस पे निकालना है ये रहा, तो इसके एक्सिस पे अगर बी निकालना है तो इस सोलेनोइड के एक, ये एक लाइन खींचो परपेंडिकुलर, एक लाइन खींचो परपेंडिकुलर, तो यहां से इस कोने का एंगल इज सपोज अल्फा और दूसरे कोने का एंगल इज सपोज बीटा, तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, कोई डाउट इसमें। सपोज इस सोलेनोइड का एक पोर्शन लेते हैं हम, और इसको यूज, इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं लगा रहे, आप ऊपर लिख लेना हेडिंग में यूजिंग बाइट सेवेट्स लॉ, मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ कि एम्पियर ने कितनी जिंदगी आसान कर दी और बाइट सेवेट लॉ में कितना ही कॉम्प्लेक्स चलता जा रहा है। ठीक, मतलब हो तो दोनों से सकता है बट बाइट सेवेट लॉ से थोड़ा लंबा है। तो देखो, तो इसके अंदर आपने एक सोलेनोइड का कुछ पोर्शन ले लिया, ये रहा, ध्यान आ गए, ये पोर्शन ले लिया, इस पोर्शन की लेंथ कितनी है dx, और ये पोर्शन कितनी दूरी पे लिया x, ये x, ये dx, और रेडियस कितना है सोलेनोइड का r। ठीक, इस पोर्शन ने स्मॉल एंगल बनाया इसके सेंटर पे d5, और इस वर्टिकल लाइन के साथ इस पोर्शन का जो एंगल बनेगा वो कितना है फाइव, तो एक एंड का एंगल अल्फा, एक एंड का बीटा, स्मॉल एंगल d5 और ये एंगल फाइव। इस ज्योमेट्री को कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर अगर ये स्मॉल पोर्शन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें आपको ना टर्न्स दिखेंगे बहुत सारे, ठीक है, टर्न्स तो बहुत ही ज्यादा है, पर इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, मान लो एन टर्न्स हैं, तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो, इसमें दो तीन स्टेप्स ही हैं, ज्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है ये, इमेजिन करो इसमें से एक सर्कल का लूप आपने बाहर निकाल लिया, ये लो ये बाहर आ गया, एक ऐसे कई हैं इसमें एन, सिर्फ इतने पोर्शन में से, तो इस सर्कल के लिए ये पॉइंट इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है, और हमने सर्कल के एक्सिस पे बायट सर्वेट लॉ से बी निकालना सीखा था, तो इस सर्कल का रेडियस क्या है आर, और ये डिस्टेंस कितना है यहां से एक्सिस पे एक्स, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसमें से एक सर्कल ले जिसमें आई करंट है और एक्सिस पे बी निकाले, तो एक्सिस पे बी का ये फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4π 2π आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2 हमने किया था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बाइट सेवेट लॉ। तो एक सर्कल के एक्सिस पे हमने बी का फॉर्मूला लगाया,
पर इसका नाम हमने डीबी दिया क्योंकि ऐसे कई सर्कल है जिनको इंटीग्रेट करके बी आएगा, और इस पोर्शन में मान लो कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, तो इस रिजल्ट को एन से भी मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि अभी सिर्फ इसके अंदर जितने भी सर्कल हैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे आ गया। यहां तक क्लियर है? तो अब इसके बाद करना क्या है, डिफाइन करना है। छोटे एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है dx, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n टाइम्स dx। तो मैं इस n को यहां पुट कर सकता हूं। एक और छोटी सी ज्योमेट्री है, क्या यहां पे tan phi क्या होगा, tan phi इज x डिवाइडेड बाय r, tan phi इज x बाय r, तो x की वैल्यू r tan phi, ठीक। और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा dx इज इक्वल टू r इंटू टेन की डिफ्रेंसिएशन secant स्क्वायर इंटू डी फाई। बस इतना ही काम है, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। ये एक्सप्रेशन हमने निकाला, इसमें हम n की जगह क्या पुट करेंगे, n टाइम्स dx, ये रहा पुट कर दिया। इसके अंदर dx और x आ रहे, dx को उठा के ये पुट करेंगे, x को उठा के ये पुट करेंगे, तो x की जगह पुट कर दिया r tan phi इसका स्क्वायर, और dx की जगह पुट कर दिया r secant स्क्वायर d phi, ये रहा ठीक। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी dx की और x की, बस इसके बाद कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। डिनोमिनेटर में r स्क्वायर कॉमन आ गया, r स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है secant स्क्वायर phi, secant स्क्वायर phi रेज टू पावर 3 बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो r क्यूब और r स्क्वायर में से एक r बच गया, वो भी इससे कैंसिल हो गया, r पूरी तरह कैंसिल हो गया। तो यहां पर ये क्या बनेगा secant क्यूब, और ये क्या बनेगा secant स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में secant स्क्वायर secant क्यूब करेक्शन करो, 2 हटाओ यहां से, 2 हटाओ, तो ऊपर secant स्क्वायर नीचे secant क्यूब, तो कट गया, तो 1 by secant, 1 by secant is cos, सिंपलीफाई करके आंसर आ गया। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पूरे सोलेनोइड के लिए। इस वर्टिकल लाइन के इधर का एंगल नेगेटिव, इधर का एंगल पॉजिटिव, तो माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा, कॉस की डिफ्रेंसिएशन साइन, एक बार बीटा एक बार अल्फा माइनस किया, और अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आ गया। तो अगर फाइनाइट सोलेनोइड गिवन होगा तो आपको एंगल्स गिवन होंगे लेफ्ट और राइट के, तो लेफ्ट और राइट के एंगल्स पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सिर्फ मुझे नहीं लगता कि एक्सप्रेशन आएगा, और इतना बड़ा एक्सप्रेशन 3 नंबर में अच्छा भी नहीं लगता आता हुआ, 5 नंबर में आएगा भी नहीं, तो मुझे चांस बहुत ही डिम है, बहुत ही बुरी किस्मत हो, मतलब कि अब क्या कहूँ, मतलब बस तुम्हारा ही बैच अगर हिस्ट्री बनाना चाहता है तो फिर मैं कह नहीं सकता कि अखबारों में आना चाहता है सुर्खियों में कि फिर बहुत टफ आया, फिर मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज जब से पढ़ा रहा हूँ आज तक तो आया नहीं, ठीक। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। इनफाइनाइट कई बार आया, म्यू नॉट एन आई, और मोस्ट प्रॉब्ली इनफाइनाइट ही आता है, ठीक है यहाँ तक। नहीं साइन होता है, साइन होता है, ठीक है। देखो अगर ये सोलेनोइड, ध्यान आगे, बस वो फॉर्मूला तो याद कर ही लेना कम से कम, अगर ये सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ का होता तो बोलो अल्फा बीटा को क्या पुट करते, 90 एंड 90 पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2, 2 इंटू 2, 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, वही आंसर आ गया इनफाइनाइट सोलेनोइड का म्यू नॉट एन आई। मतलब एम्पियर सर्किट लॉ ज्यादा बेटर था, 3-4 लाइन में काम खत्म करता है, इसमें तो बहुत ही लंबा है इनफाइनाइट करना, तो वही बेटर है और उसी के साथ चलेंगे। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक? वैसे मुझे लगता है एनसीईआरटी की बुक में एम्पियर सर्किट लॉ से सॉल्व किया हुआ है, इसे किया भी नहीं हुआ, ठीक। नेक्स्ट है, बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक ये सोलेनोइड के यहां पे आपको बी निकालना है कोने पे, और एक तरफ से सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर कोने पे निकालना है तो एक एंगल 0 और एक एंगल 90, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, 0 और 90 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया। मैंने बुकलेट में शॉर्टकट लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ दिस सोलेनोइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2, लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, इसका प्रूफ हम हैंड रिटन शीट में करेंगे, ये इसका प्रूफ है, कुछ ज्यादा ही लंबा प्रूफ है, बट पॉइंट समझ में आया यहां तक, क्लियर है, ठीक। और बाय चांस अगर इतना और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये एल लेंथ ऑफ सोलेनोइड गिवन हो और आपको कहे कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मुझे बी निकालना है, मिड पॉइंट पे,
तो मिड पॉइंट का मतलब है ये डिस्टेंस कितना हो गया, आधा एल बाई टू, और ये कितना हो गया आर। तो देखो ये आर हो गया, ये डिस्टेंस कितना है एल बाई टू, और मिड पॉइंट का मतलब एल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो एल्फा बीटा बराबर है। तो बीटा ये रहा, ये आर एल बाई टू, तो ये साइड क्या हो जाएगी पाइथागोरस से निकल आएगी। तो आप अपने एक्सप्रेशन में एल्फा एल्फा या बीटा बीटा पुट कर सकते हैं, टू टाइम साइन एल्फा हो जाएगा या साइन बीटा, साइन बीटा या साइन एल्फा यहाँ से निकल आएगा, साइन बीटा इज एल बाई टू डिवाइडेड बाई दिस हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू या साइन बीटा की वैल्यू को पुट करके आंसर आएगा, चांस बहुत ही कम है, बट मैंने आपको तरीका बता दिया अगर बाई चांस आता है तो कैसे आप एग्जिट कर सकते हो। वैसे इस एक्सप्रेशन को आता देखा नहीं मैंने, क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूले फॉर्मूले से काम चल जाएगा। पहला फॉर्मूला मतलब मेरे हिसाब से आप इस शीट में सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर जाओगे तो मोर देन सफिशियंट ही रहेगा, क्लियर है?